हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू दिस वीडियो सेशन. सो एज यू ऑल नो दैट आई एम योर मैथ टीचर, दिस इज़ फिरदौस. सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास 5 मैथमेटिक्स. सो इन आवर प्रीवियस क्लासेस वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 1.1 टू 1.5. सो वी आर इन वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर इज़ नंबर एंड न्यूमरेशन. So today I am going to solve exercise 1.6, okay, which is based on the rounding of a number. How to round off a number? Number को कैसे round off करते हैं आप, वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ. So without any further ado, let's start today class. So in exercise 1.6, first question you have given, that is round off the following numbers to the nearest hundreds. इन सब नंबर को आपको क्या करना है, नियरेस्ट हंड्रेड में आपको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, एस्टिमेट करना है. सो आई विल शो यू हाउ कैन यू डू दैट. सो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.6 यू हैव, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 ए, दैट इज 264. सो हियर यू हैव टू फाइंड द नियरेस्ट हंड्रेड. So first count ones, tens, hundred. So for nearest hundred, you have to see the what? Tens number. Hundred के लिए कौन सा number देखना है आपको? Tens number. If in tens place the number is greater than or equal to 5, then you have to add 1 in the hundred place. So here, first write nearest हंड्रेड ऑफ 264 इज वाट. सो 3 एंड पुट हियर 20, और जो रिमेनिंग बचा उसको 00 के फॉर्म में चेंज कर देना है. तो इस तरह से आप उस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हो. सो नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर डी. इन क्वेश्चन नंबर डी यू हैव गिवेन 942. सो नियरेस्ट हंड्रेड, nearest 100 of 942. So as I said that for nearest 100 you have to see the tens digit number. So here at the 10 digit number there is, here is 4. So if you have given, the given tens digit is less than 5, then you don't have to need add 1. यहाँ पे 1 ऐड करना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है. एज़ इट इज़ जैसा है वैसा ही छोड़ देना है, और 100 के बाद जो रिमेनिंग बचा उसको 00 फॉर्म में चेंज कर देना है. सो नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर ई. सो इन क्वेश्चन नंबर ई यू हैव गिवन, दैट इज 1535. सो नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 ऑफ 1535. So for nearest 100, as I said that you have to see the tens digit number, and there is less than 5, so don't need to add 1 here. So 5 is same and 1 is also remain same, because this is not a 100, this is a 1000 number, 1000 digits, and put 2 zeros after the 100. जो बोलेगा नियरेस्ट 100 बोलेगा तो 100 के बाद 00 फॉर्म कर ही देना है, उसको चेंज कर देना 00 में, ठीक है, कन्वर्ट इट इनटू 00 फॉर्म. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर जी. सो इन क्वेश्चन नंबर जी यू हैव गिवन 3412. अगेन द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 3412 इज व्हाट, नियरेस्ट 100 ऑफ 3412 is what? See, for 100 you have to see the tens place and form 00 after the 100 place, and here less than 5, so कुछ भी ऐड नहीं होगा यहाँ पे, सेम टू सेम रहेगा. तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हो. नाउ इन क्वेश्चन नंबर, आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर एच.
In question number H, you have given 4582. So here nearest 100, nearest 100 of 4582 is what? 10th place is what? 8, which is more than 5. That means you have to add 1, 6, and this is 4, and here 0, 0. ठीक है, जहाँ पे 100 हो रहा है, 100 यहाँ हो रहा है, तो इसके बाद वाला पूरा 0, 0 कर देना है. ठीक है, ओके. सो नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2, यू हैव टू राउंडिंग द नंबर नियरेस्ट 1000. सो देयर इन क्वेश्चन नंबर 1, you have to find the nearest 100. So for nearest 100, you have to see the 10th digit number, and for 1000, you have to see the 100 digit number. So let's see how I am rounding the number. In question number 2A, that is 1200. So here you have to find the nearest value 100. Sorry, 1000. Nearest 1000. So nearest 1000, you have to see the 100 digit number. So here 1 stands 100. So here 100 is what? Less than or more than 5. So less than 5. So कुछ भी add नहीं होगा यहाँ पे 1000 में, तो 1 ही रहेगा. और जहाँ पे 1000 हो रहा है, उसके बाद वाले सारे digits को क्या करना है आपको? 0, 0 form कर देना है. Okay. Now question number B. 6503. So here nearest 1000 is equal to 6503 means what? Here once tens 100 को देखना है आपको. 100 क्या है? 5 या 5 से ज़्यादा है ना, तो 5 है यहाँ पे, तो इसमें एक प्लस करना पड़ेगा, डिस 7 करना पड़ेगा. और 1000 बोला है, नियरेस्ट 1000 बोला है, तो 1000 के बाद सारा 0, 0, 0 हो जाएगा. ठीक है, सो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. एफ नंबर देख लो आप, 24164. सो नियरेस्ट 1000 करना है इसको. सो वन स्टेंस 100 देखना है आपको, तो 100 क्या है? 1 है, यानी 5 से छोटा है, तो इसमें कुछ भी प्लस नहीं होगा, और ये 2 तो ऐसे ही रहेगा. और 1000 के बाद जितना भी डिजिट बचता है 0, 0 फॉर्म कर देना है. तो वेरी सिंपल. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100. इसमें से कौन सा नंबर नियरेस्ट 100 नहीं कर सकते हैं इसको? तो 800 नहीं बन सकता है. तो देखिए, ये वाला नियरेस्ट 100 के लिए आपको क्या करना है? 10th प्लेस को देखना है. तो 10th प्लेस में 5 से ज़्यादा है, तो ये 8 बन जाएगा. यहाँ भी आपका 4 है, तो ये ऑब्वियस कुछ ऐड नहीं हुआ, तो ये 8 रहेगा ही. यहाँ पे 5 से ज़्यादा है, तो ये 8 बन जाएगा. लेकिन आपका ये नहीं बन सकता है, तो ये नहीं होगा. नॉट कैन नॉट बी राउंडेड, तो ये नहीं राउंडेड होगा. सो हियर ऑल्सो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000. 5000 कौन नहीं बन सकता है? ये बन सकता है, क्योंकि नियरेस्ट 1000 के लिए ये देखना पड़ेगा 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, लेकिन ये भी तो बन जाएगा. So this cannot be formed as a 5000 nearest, because here you have 6, that is more than 5. So you have to add here 1, that is this will become 6000. So this is your required answer. So आगे भी यही क्वेश्चन है आपका, राउंडिंग ऑफ करना है. राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000s एंड द नियरेस्ट 10000. सो इसको बनाओ अच्छे से आप लोग, है ना. ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड हाउ टू rounding the number nearest 10, nearest 100, nearest 1000. So let's do it. Okay, thank you.